आज फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको एक नॉर्मल वीडियो शूट कर लेना है या फिर आप फोटो भी लगा सकते हैं। तो जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कैनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये वाली वीडियो यदि डाउनलोड करेंगे तो आपको टिकटॉक का लोगो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट एस लेयर पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद इस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है और स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। तो वीडियो आपका कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ तक आपका स्काई दिख रहा है वहीं तक आपको एडजस्ट करना है। कुछ इस तरह से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद इसके बाद इसे हम डन करते हैं। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, आपका जो वीडियो है इस वीडियो में अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल मैंने सेंड टू बैक कर दिया, तो इससे पहले हम फ्रंट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमारा यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर सकते हैं। यदि आप टिकटॉक के साउंड से वीडियो अगर शूट करेंगे तो आपके वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होगा। वीडियो को आपको प्राइवेट में अपलोड करना है और इसके बाद आपको उसी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे हम सेंड टू फ्रंट कर दिया था, तो इसे फिर से मैं सेंड टू बैक कर देते हैं। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा वाला वीडियो जो है उस वीडियो को आपको साउंड को म्यूट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे दो वीडियो ऐड हो चुका है, तो इस वीडियो में से मैं एक वीडियो का साउंड को म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो वीडियो को साउंड का म्यूट कर दिया हूँ और एक वीडियो को साउंड को रहने देता हूँ। सेकेंड वाले वीडियो को जो मैंने लेयर लिया था उस वीडियो पर क्लिक करेंगे और सिंपल क्रोमा की पे इनेबल करना है और सिर्फ यहाँ पे आपको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करते हुए देख सकते हैं वो कलर की ऑटोमेटिक आपका चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से सही से एडजस्ट अपने हिसाब से आगे पीछे कर आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और ये वीडियो भी टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आप ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपल मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देंगे, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।